सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों देखो, अभी बस रेडी हो चुका हूँ फाइनल पेपर के लिए हमारा, जो कि है मैकेनिक्स। तो हाँ, पढ़ाई तो हो चुकी है, अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ पेपर तो अच्छा जाने वाला है, निकल जाएगा आराम से। तो बस अभी बस रिविजन कर रहा था, और साथ ही साथ ये देखो बिस्कुट खा ले रहा हूँ, क्योंकि पेपर देने जाएंगे सीधा, अब इसमें कुछ खाएंगे नहीं। तो हाँ, अच्छा जाएगा पेपर। और आज के बाद दोस्तों कल पेपर ये सुनना आपको, अभी बंद कर देना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए, क्योंकि हमारे पेपर साथ से खत्म होने वाले हैं। ये देखो भैया, इन्होंने बोला है कि 50 मार्क का तो भी लिख के आएगा, तो हाँ उतनी अपनी भी होप है दोस्तों। तो चलो अभी फटाफट थोड़ा जो कुछ है रिविजन 10-15 मिनट पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं पेपर के लिए। दिखाता हूँ दोस्तों सबकी फीलिंग, दिखाता हूँ पेपर के पहले की भी, इवेंट चल रहा है थोड़ा कॉलेज में वो भी दिखाता हूँ, और पेपर की बात की कि सेमिस्टर खत्म हो चुका है तो कैसी फीलिंग आ रही है। तो चलो अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ और फिर जाते जाते व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट याद आना चाहिए ना पेपर में। तो हाँ पढ़ लेता हूँ उतना। दोस्तों निकल चुका हूँ पेपर के लिए, अभी बस जाना है पेपर देना है, देखते हैं कैसा क्या जाएगा पेपर, अच्छा ही जाना चाहिए। मौसम तो खतरनाक हो चुका है, बारिश टाइप हो चुका है कुछ, तो बस फटाफट जल्दी कॉलेज में जाना ही ठीक रहेगा। तो चलो देखो रोड भी खाली है, दोस्त लोग मिले गए आगे से, तो दिखाता ही हूँ तब। अभी फटाफट जाना है क्योंकि थोड़ा ऑफिस में भी काम है, वो हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर कल जाना पड़ेगा उसके लिए, वो भी दिखाऊंगा ही। तो अभी चलो आज कॉलेज में क्या फेस्ट है वो भी देखते हैं और फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों देखो रूम से निकला था तो मौसम मस्त था, लेकिन अभी देखो फुल बारिश बारिश चुकी है और धीरे धीरे बारिश चालू है, तो बस फटाफट जाना है कैसे भी। ये देखो दोनों भाग रहे हैं और हम भी भाग रहे हैं, क्योंकि पेपर है आज, तो ज़्यादा बारिश बढ़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हॉल टिकट वगैरह है बैग में, तो फटाफट भागते हैं दोस्तों। चलो कॉलेज में मिलता हूँ। देखो कॉलेज में आ चुके हैं दोस्तों, बस बारिश के कारण देखो सब फटाफट ऊपर जा रहे हैं। देखो यशोदेव भाई बहुत दिनों बाद दिखे व्लॉग में, और ये शंतनु, पेपर तो हो चुका है अभी क्या रिएक्शन पूछे। रिएक्शन तो सबकी खतरनाक ही है, क्योंकि मैकेनिक्स का पेपर था, किसी का अच्छा गया, किसी का मॉडरेट गया, और किसी का तो ना बोलने लायक गया। हाँ मैकेनिक्स का तो ऐसा इशू रहता ही है, अपना भी अच्छा गया। देखो पूरी पब्लिक सब स्टेटस लगाएंगे आज कि फर्स्ट सेमिस्टर डन, द सेमिस्टर खत्म हो चुका है, द फर्स्ट सेमिस्टर एंड्स, अपना तो सीधा व्लॉग आएगा दोस्तों। तो बस देखो अभी क्या होता है, और दिखाते हैं शिवम का तो कल पेपर है तो वो नहीं शूट कर पाऊंगा, इसीलिए आज ही कर लेता हूँ। देखो अपने दोस्त लोग, और आज दोस्तों फेस्ट भी था कॉलेज में, लेकिन वो बारिश के कारण पूरा फ्लॉप होते हुए दिख रहा है। प्रतीक सेठ आउट ऑफ का पेपर, तो दोस्तों देखो किस तरीके से पेपर का डिस्कशन हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो पेपर कैसे आया है। और देखो सब डिस्कस कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या था, नेगेटिव था पॉजिटिव था, और यहाँ पे पेपर फाड़ दिया है। और ये देखो ऋषिकेश, फाड़ो फाड़ो और बोल रहा है पेपर, और देखो फेस था लेकिन पूरा चौपट होते हुए। अभी बस जाना है रूम पे और फटाफट क्या आगे का प्लान बनता है दोस्तों का देखते हैं, क्योंकि अभी तो सेमिस्टर खत्म हो चुका है। तो हाँ उस दोस्तों के साथ तो नहीं घूम सकते, शिवम वगैरह के साथ, उनका कल पेपर है, लेकिन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ देखेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएगी। देखो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है फेस्ट के कारण, तो चलो फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों देखो जैसे बोला था कि बस कुछ लोग स्नैप निकालेंगे, तो देखो प्रणव बोल रहा है स्नैप निकालना है, क्योंकि सेमेस्टर एंड का स्नैप रखना है और स्टेटस भी रखना है। देखो अपने दोस्त लोग आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन उसको निकालना है, तो बोला निकाल फटाफट मुझे भी कंटेंट दे। ये देखो स्नैप निकालते हुए, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब फेस्ट भी है और पेपर भी छूट गया। देखो स्नैप निकालते हुए प्रणव, तो बस अभी फटाफट रूम पे जाना है, दोस्तों का प्लान बन रहा है कहीं ना कहीं जाने का। देखो यहाँ पे तो सब दोस्त लोग मिल रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ प्लान बनता है और फिर जाएंगे। देखो सबसे डिस्कशन चल रहा है पेपर वगैरह का, ये देखो मीत थोड़ी तबीयत खराब है उसकी, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। हाँ ये देखो अचानक से झपटा मारता है, ये हर व्लॉग में ऐसे ही करता है दोस्तों, तो इसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप बताओ कमेंट में क्या करना चाहिए। ये देखो ऋषिकेश तो बहुत ज़्यादा खुश है,
फेवरेट सब्जेक्ट है मैकेनिक्स और अच्छा गया है पेपर उसका। तो सुबह से भूख भी लगी है, कुछ ना कुछ खा लेते जाते जाते, वड़ा पाव वगैरह या तो फिर बिस्किट वगैरह ले गए, देखते हैं कैसा क्या दोस्त लोग सब बोलता है उसी के हिसाब से चलेंगे। ये देखो महेश भाई ने अपने बैग में से हाइड एंड सीक का पैकेट निकाल लिया है और सब बिस्किट खाते खाते जा रहा है। अभी यहाँ पे भी लड़ाई होगी कि मुझे दे मुझे दे, तो हाँ देखते हैं महेश भाई क्या करते हैं। अपने को तो दूसरा भी मिल चुका है और दो बिस्किट की लड़ाई है दोस्तों, तो ये लड़ाई भी बहुत टफ रहती है। देखो यार वड़ा पाव के लिए लड़ाई हो रही है ऋषिकेश और यशोदीप के बीच में, बस सब वड़ा पाव एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से कोई भी खाना खा के नहीं आता है, नाश्ता ही करके आता है। तो चलो अभी अपने को दोस्तों जाना है दगड़ू शेठ जल्द से जल्द लोकल से। तो दोस्तों बस निकल चुके हैं, देखो अभी सब टिकट निकाल रहे हैं। दगड़ू शेठ का प्लान है आज, क्योंकि पेपर खत्म हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं तो घूमना पड़ेगा ही, तो बस फटाफट अभी टिकट निकालता है और फिर लोकल के इंतजार में स्टेशन पे वेट करते क्योंकि कभी भी टाइम पे नहीं रहती। तो देखो जैसे जैसे बोला था लोकल के बारे में कि हाँ कभी भी टाइम पे नहीं रहती, तो 6:50 की लोकल थी और अभी 7:22 हो चुके हैं, अभी तक लोकल नहीं आई है। ये देखो एक ट्रेन आ चुकी है यहाँ, और देखो ट्रेन तो लेट है, तो क्या करना, तो टाइम पास ही चल रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई बस बातें कर रहा है इधर उधर की, और मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ पटरियों का क्योंकि ट्रेन ही नहीं आ रही है, तो क्या करे। कुछ लोग देखो रेडी हो चुके हैं घर को जाने के लिए बैग्स वगैरह लेके। अपने टाइम से एक घंटा तो बस फटाफट स्टेशन पे उतरना है और उधर से बस पकड़ के जाना है दोस्तों। हाँ हैंडीकैप डब्बे में आ चुके हैं हम, और ये देखो महेश वगैरह सब अच्छी तरीके से खुश है क्योंकि पेपर खत्म हो चुके हैं और बाहर का व्यू एंजॉय करते करते अब बस फटाफट निकलते हैं। फाइनली शिवाजीनगर पहुंच चुके हैं, अभी बस फटाफट जाना है दोस्तों क्योंकि वापस भी लोकल मिलनी चाहिए। तो ये देखो ये तो बहुत तेजी से भाग रहा है अभी क्योंकि बस पकड़नी है और फिर दर्शन करना है। तो चलो फटाफट अभी ये लोकल तो यही रहेगी, यहाँ से वापस जाएगी आखुड़ी की तरफ लोनावला तक जाएगी। तो चलो फटाफट बस पकड़ते हैं, ये तो नहीं पकड़नी है 10 में बस वाली बस पकड़नी है और फिर जाना है ताकि जो टिकट 10 रुपए की निकालोगे उसी से ही वापस आ सके, वो वापस टिकट नहीं निकालना है। 20 रुपए में रूम से दगड़ूशेठ और दगड़ूशेठ से रूम तक का सफर हो सकता है। फाइनली अंदर से दर्शन हो चुका है, अभी बस आपके लिए बाहर से शूट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है दोस्तों। कहाँ अंदर से नहीं शूट किया, तो देखो बाहर से शूट कर ले रहा हूँ, आप भी दर्शन कर लो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति। और ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ, तो बस चलो अभी बस फटाफट बाहर से दिखाता हूँ दोस्तों आपको मंदिर। तो चलो
तो दोस्तों अच्छी तरीके से दर्शन हो चुका है, अभी बस वापस जा रहा है रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि लोकल मिलनी चाहिए, 10 बजे की लोकल है। हाँ अच्छा टाइम पास भी हो चुका है, गाड़ी तो खाली है। फाइनली लोकल मिल चुकी है और सब दोस्त लोग बैठ चुके, देखो कितना बड़ा झुंड है अलग ही। और बस फटाफट सब थक चुके हैं दोस्तों, फटाफट रूम पे जाना है और बस एंड सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, उसकी तो खुशी है ही, और साथ ही साथ कल सब लोग घर जाएंगे तो उसकी दुगनी खुशी है उनको। तो बस देखो अभी फटाफट जाना है। दोस्तों फाइनली आकुर्डी में आ चुके हैं और ये देखो इतनी कुछ अपनी गैंग थी आज। तो बस दोस्तों आज का व्लॉग बहुत अच्छे तरीके से शूट हुआ, तो बस ये देखो महेश भी दिख चुका है। तो आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ दोस्तों, कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और अभी तो अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा एग्जाम खत्म, तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नया व्लॉग लेके कल आपके साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।